अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अभी जो है मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, और व्लॉग क्या है, मेरी दोस्त आ रही है, काफ़ी दूर से आ रही है, मतलब पिंडी से आ रही है मेरी दोस्त, और वो भी ट्रेन में है। तो हम लोगों ने जाना है बाज़ार, और पता नहीं क्या क्या हमने करना है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फ़र्स्ट टाइम आ रही है वो, एक दफ़ा बहुत पहले वो आई थी जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब तकरीबन हम बहुत छोटे थे तब, तब मैं थी तकरीबन 6th क्लास में या 7th क्लास में होंगी, तब वो आई थी। और उसके बाद एक बार वो आई है, लेकिन वो मतलब उस तरह से नहीं आई जिस तरह किसी के घर जाना, टाइम स्पेंड करना, वो शायद कभी भी मेरे घर नहीं आई उस हिसाब से। तो मैं जो हूँ बहुत जाती थी मंडी, हमारे नानों का घर था वहाँ, तो हमने जब जाना है हमने इकट्ठे बैठना है, खेलना है, सब कुछ करना है, घूमना फिरना, हंसना बोलना। तो अब वो आ रही है, और मैं जो हूँ अभी जाने लगी हूँ बच्चों को लेने। तकरीबन वो मेरे पास शायद 4 बजे तक आएगी, अभी हो रहे हैं 12:45। मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है, तो वो लोग रास्ते में, एक बार वो तब आई थी, एक बार आई थी मेरी शादी पे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, फिर वापस चली गई थी। फिर आई थी भी जो मेरी दोस्त की शादी हुई थी लास्ट ईयर बलीमे पे आई थी, तो वो वहीं से वहीं वापस चली गई थी। अब वो फर्स्ट टाइम जो है मेरे इधर मेरे घर आ रही है, मतलब मेरी शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम यहाँ मेरे घर आएगी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। होता ऐसा है कि जब भी आपकी नानों की साइड से कोई भी आपके कज़न, कोई भी रिश्तेदार आपका आए ना, और वो आपसे मिलने आपके घर आ रहा हो, स्पेशली आपकी शादी के बाद, तो उसकी ना खुशी एक अलग होती है। और ये शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि भाई जब भी आपके कोई नानों साइड से आता है और वो आपके घर आ रहा हो स्पेशल, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं जी बहुत खुश हूँ। अभी देखते हैं जो क्या होगा, और फिर जो क्या क्या व्लॉग बन सकेगा, कितनी कितनी वीडियो बन सकेगी, तो आप लोगों को जो है साथ रखूँगी। यहाँ पर जो है मैं तैयार होकर बैठ गई थी, ज़्यादा मैं तैयार नहीं थी, मैंने आईब्रो थोड़ी सी अपनी नीट कर ली थी, हल्की सी आउटलाइन लगा ली थी, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि भाई अब आए तो जो है फिर ज़रा अच्छा टाइम सा गुजरे। तो इंतज़ार कर कर के मेरी ऐसी हालत हो गई थी। वैसे मुझे दोपहर को अब नींद नहीं आती है, लेकिन इंतज़ार कर कर के मुझे इतनी नींद आ रही थी। वैसे भी इंतज़ार जो है ना वो बड़ी कोई बुरी चीज़ है। मैं बच्चों को भी कहती हूँ ना करो, यूँ ना करो, मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, और डबल डबल मैंने कर लिए, सुबह भी किए, दोपहर को भी किए, शाम हो गई थी, और बस मेरी तो इंतज़ार कर करके जो है बस ही हो गई थी। ये तो फ्रेंड्स जो है मेरी आ गई थी काफ़ी देर, हम 2-2.5 घंटे घर बैठे थे, फिर हम निकले थे बाज़ार। बच्चे जो है मेरे सो गए थे, और वो बड़ी आसानी से, मतलब वो टाइम से सो जाती हैं, फिर मैं उनको सुला के तो आराम से फिर बाज़ार निकली थी अपने दोस्तों के साथ। हम तीनों जो हैं बाज़ार चले गए थे, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतने सारे बाज़ार हैं तो हमने कौन से वाले बाज़ार जाना है। ये पहनती ही खुशे है, इसके पास हर तरह के खुशे हैं, पिंडी से आई है, बिकता ही है, 90% खुशा बिक रहा है। ये आई पिंडी से, इसने कुछ चीजें यहाँ से लाहौर से लेनी है बस। यहाँ पे आपको चीजें उठा ली, चीजें रख ली है? हाँ मैंने रख ली है। लो जी जी बात बिक ले लें, इस पे रख लेने हैं। चला क्या याद करेंगे, मैंने चप्पल देनी है, लेकिन हील ज़्यादा है। इसकी हील ज़्यादा ज़्यादा हो, कौन हील चाहिए पूछ ले, पर हम कुछ ही लग रही है ना। मैंने प्लास्टिक की लेनी है यार, का कौन सी नहीं, मैं तो बच्चों को स्कूल लेने जाना था ना, शादी लेनी, बिल्कुल बिल्कुल शादी लूँगी बच्चों को, कोई बात नहीं, बच्चों को स्कूल लेने जाना होता ना। ये किस प्राइस में? 450। अरुण तो देख, ये वाली जो उनसी स्किन में जूती लगी हुई है, नहीं नहीं इसमें थोड़े से ज़्यादा हील में है ये कलर और हील। ये किस तरह है? ये 400। नहीं नहीं सही है, खरीदनी है या उठानी है? उठा ले, खरीदनी है या उठानी है? अच्छी लग रही है, दूसरी भी
तुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है? बॉयज़ का नहीं है, हर चीज़ ब्लैक कलर में देख रही हूँ। ले लें अपने लिए। देखो बच्चों अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा महंगे नहीं हो गए अब? ये भी थोड़े दिनों तक और महंगे हो जाने हैं। थोड़े दिन तक क्यों? माली नहीं मिल रहा भाई। हाँ ये इसमें मैरून दे, ये माली ही नहीं मिल रहा। मैरून कह रहे इसने ले लिया। ले लिया मैरून, मैरून नया। अब इतना छोटा साइज है, हम तीनों बहनों में ऐसा इतना साइज किसी का नहीं। तारूच का ये खड़ी है रोज, ये रफिया पिंडी की वाम हमारी हैं। कोई और देख ले, कोई और देख ले। हसन सो रहा है, उठ गया जब से हम गए नहीं ना उठा, एक दफ़ा भी नहीं। कुछ इस तरह के बैग देख, ये बरसाती का प्रोडक्ट है। वहाँ से देनी है अभी, ये मुझे घर वालों में कुछ शॉपिंग के देते रहना है, वहाँ से मैं अभी अपने पास से जाया करती हूँ। लाल का फूल, हाँ हाँ जी। ये है जी पर्स, मैं आपको रिजनल की बता देता हूँ, जो यूनिक लेवल का नहीं होगा वो फेक होगा। वो फेक नहीं है, मैं मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप रॉयल ब्रांड कह रहे हो ना उसने बॉडी स्प्रे पहना है, ठीक है? पर्पल अच्छा है, पिंक की शादी है उसकी तो बबल जैसी है, वो अच्छा है। पर्पल का सॉन्ग भी अच्छा है और बड़ी बहुत ही अच्छी है। एक मेरे पास स्किन कोनी चाहिए डीओ की, ये इतनी ज़्यादा आई स्नैक वीडियो पे, इतनी आई तो शॉर्ट हो गई। इतनी ज़्यादा ही आई, ये अच्छी स्किन पॉलिश है, इतनी आई, इतनी आई स्नैक वीडियो पे, सारा जो ऑन लेने शालमी चला गया, शालमी में शॉर्ट हो गई थी। ये पिछले साल की बात है, ब्लीच है इसमें पाउडर कम डालना। आपका कोई चैनल? हाँ यूट्यूब पर। ये 450 की सालों ने बताया है, उठा के ले जाइए। नाना अच्छा रिजल्ट हुआ इस चीज का, तो पिंडी से पहले कराया लगाए साथ। कोई ऐसी बात, एक साल बाद आना, छह महीने बाद आना, मेरी चीज वापस लेके अपने पैसे लेने होंगे, पैसे ले लेना, कोई भी चीज लेने नहीं लेना, क्योंकि मेरी आदत है मैं कस्टमर पे। देखिए ये ना इसकी इतनी अड़ाई मैंने रहीम स्टोर पे पता की, अलफतेह तक पे नहीं थी ये, शालमी से भी शॉर्ट हो गई थी ये, डीओ की मेरी नन ने बड़ी ढूंढी वाली स्किन पॉलिश। चल तो यूज़ करेगी ना, फिर इसका रिजल्ट बताएंगे। इन्फिनाइट है बॉडी स्प्रे आपके पास? दिखा रहा रूज कैसा, ये अच्छा है। इन्फिनाइट है आपके पास? इन्फिनाइट, हाँ हाँ। जैसे पहले ही कह रही थी नहीं, अब वो तूने होला रख ली, हाँ सही कह रही है, सही कह रही है। अब सीरियस वाली बात, अच्छा ये बॉडी स्प्रे 70 रुपये का होगा, 70 रुपये का नहीं है वो कह रहे हैं 400। अच्छा इसकी लगाएंगे फेशियल किस तरह लगाएंगे आप? एक दफ़ा सही सही लगाना, मैं खिच खिच नहीं करना। घर में हमारे छोटे बच्चे बैठ कर रो रहे हैं। क्या लगाएंगे इसका, एक बोतल का क्या लगाया है? एक मिनट, 1000, नहीं नहीं 200 नहीं हम लगा रहे, 200 नहीं हम लगा रहे इसका, नहीं 150। इतना सारा सामान ले रहे हैं हम, बॉडी बॉडी और स्प्रे भी लेंगे, ऐसे शो पैक कर दो ठीक है, लेकिन 150 कम हो जाएगा, 160 कर लो। चल 160 ठीक है, चले 160। अब तू अगर तुमने दोबारा फिर, वो भी अच्छा है डैन बाइस का फेशियल भी अच्छा है, लेकिन वो ना लीजिएगा अब नहीं अच्छा, वो पहले बहुत सेल थी उसकी, पहले बहुत अच्छा था, नहीं अभी भी नहीं है अच्छा। ये अच्छा, ये हो गया, अच्छा ये ब्लीच 400 ठीक है इसका,
और बॉडी वॉश किस तरह का है? इसका एक और पड़ा हुआ पर्पल में, पिंक भी बहुत प्यारा है, पिंक नहीं मिले मुझे अच्छा लगा। एक ये यूज करें, वो यूज करें, मैं शेक इस चीज ना यूज किया करें, मैं भी फंस गया हूं लेके। मैंने दो शूज लिए हम भाइयों ने एक जैसे, अब हम पहनते हैं तो कभी दोस्त कहता है तूने उसके पहने हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, ये पिंडी रहती है, हम लाहौर रहते हैं, सालों बाद जाते हैं। 550 इसको करें कम नहीं, 550 तू क्या कितने का लेती है? अब ये प्राइस है, और ये मैंने आपको बताया ओरिजिनल यूनिवर्सल स्कैन के, जहाँ पर मर्जी चाहिए या फिर इसको छोड़ दो, जो मैं अपने स्कैन करवाना, स्कैन करवा लो, कोई ऐसी बात नहीं है, मास से ले लेंगे, ये कर दें बस, मैं ले लूँ पर 550 का नहीं ले, 550 का नहीं लूँगी मैं रहीम से ले लूँगी, थोड़ा सा उसका क्रेडिट कार्ड से, मेरे पैसे भी नहीं लगेंगे, मैं कर देता हूँ डिस्काउंट इसका करें, यही लेगी इसका कम करें, मैं ले लूँ तो आज नहीं 5000 नहीं भाई, नहीं 800 नहीं ना तो ले, हमने ज़रूरी थोड़ी हमने 2000 पूरा ही करके जाना है, वापस भी जाना है पिंटीज ने, पिंटी की कौन सी इतनी ज़्यादा टिकट है, सस्ती है, कितने की? 1850 की, या ट्रेन पे जाएंगे तो कम पैसे लगेंगे, ये तो बेग वैसे ही इन्होंने किचन लगाया है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का किचन लगा सकते हैं इसे, भाई इसके प्राइस सही करने, कलर का क्या फ़र्क है डार्क और लाइट, तू ये उतार के कुछ और लगाई यहाँ पर, बस ये सही, ये पता है हाथ में डस्ट वाले हाथ पकड़े पकड़े गंदा भी हो जाएगा, ये किचन वो गंदा नहीं होगा, बड़ा किचन में बच जाता। अच्छा आप पता है क्या करेंगे, ये वाला उतार किस पे लगा, मैं कैसे लगा दूँ उसका डिफरेंट, उसका यहाँ से उतारे यहाँ, इसका इसके साथ ही आया है, मैं वो नहीं कुछ नहीं होता, देखे ना ये हम तो दुपट्टा भी बदलवा लेते हैं, लेकिन वो हम कोई सूट लेते हैं ना उसका, हमें रेड दुपट्टा चाहिए तो हमें वो रेड दुपट्टा दे देता होता है दुकानदार, लेकिन ये कसूर जो मेरे पास आएगा उनको फील नहीं होगा, ये क्या लगा है, हर कोई हाँ कागज बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, लेकिन ये कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है, गुड करूच इसका वीडियो में ऐसे करना, ऐड किया, ऐड किया उन्होंने 850 से हाँ। नहीं आपने से 50 रुपये कम किए, वो भी ले लेगी, बोल रही सब रेट लालच तो ना दे, लालच ही देते हैं आप भी हमें, लालच ही देते हैं, तो बॉक्स में डाल दें, नहीं तो काट के इसका बिल बना, नहीं आता या इससे कम से मिले, मेरा ऑर्डर में वापस दे देना पैसे, अच्छा चलिए फिर छोड़ देना, निकल थोड़ा सा थोड़ी लचक होनी चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, इससे लचक में मैं कर सकता, बता वो छोड़ के चली जाएगा कि नहीं, अभी हम पायलट छोड़ रहे हैं इतनी प्यारी प्यारी, चलिए फिर ये वाला कर, चलिए बेटा मैं इतनी 5 इंच की लेके आई हूँ अपनी जूती, आप अभी कहाँ से जाना है, पीछे से यहाँ से लिए थे मैंने ब्राउन के 2200 के, 3 साल से अंदर रिक्शा बदला है, बस घर से लेते तेरा पूरा हो गया सामान, और मैंने बिंदिया लेनी थी एक, मैं किसकी दुकान में जाऊँगी बिंदिया, शेरवानी तुमने बनवाई है, ए वलीमे का और जैसे बरात का है, कहा ना कि वलीमे का बनवाएं या उसका बनवाएं, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि उसका बनवाएं, कोई एक बना था ना वलीमे का ऑर्डर दिया था ना वो, हम लोगों ने भी वलीमे का, हाँ हमने भी वलीमे का बनाया था, वो ऑर्डर दिया था ना पहले ही वलीमे का, तो फिर इन्होंने बरात का कर लिया था, अच्छा सॉफ्ट है जो लेकर, हाँ मैं करती हूँ ज़रा, हमजा कितने बजे आता है रफिया, 11 बजे तक 10:30 11 आ जाओ ना, अब बेड पे नहीं जाऊँगा तो बेड पे डर ही लगते हैं, अब बड़े हो गए ना, वो जो तूने बाहर से थैला देना, चल ना बच्चे रो रहे हैं।
हाँ आंटी इसकी शादी में आप ही की तरफ आएंगे हम दो दिन तक। अच्छा बिलाल भाई अल्लाह आइएगा इंशाल्लाह थोड़ी यानी कि हमारी कोशिश पूरी बाजी चल कुछ नहीं होता ठीक है खैर से जाओ पहुँच के फोन करिए रोज रफिया दे रहा मोबाइल किधर है हाथ में दे रहे चल ठीक है अल्लाह हाफिज रफिया तेरा नेट चल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है उम्मीद है जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा काफ़ी सारी जो ऐसी दोस्तियाँ होती हैं जो शादी के बाद ख़त्म हो जाती हैं टूट जाती हैं। अच्छा मेरी जो ये फ्रेंड्स हैं ये मेरे बचपन की हैं मतलब जब हमें पता भी नहीं था कि फ्रेंडशिप होती है ये दोस्ती होती है तब मुझे इसके बारे में इतना कोई ख़ास पता भी नहीं था कि ये दोस्ती इधर तक आएगी। और जब मेरी शादी हुई थी आज हम 6 फ्रेंड्स का ग्रुप है सबसे पहले उसमें मेरी शादी हुई थी ये हमारी लास्ट फ्रेंड है इसकी शादी है ये और हमारे सेम एज नहीं है हम सब लोगों की कोई बड़ी है कोई छोटी है कोई ज़्यादा छोटी है इस तरह की हम लोगों की सबकी एज में फ़र्क है। और दोस्तियाँ जो है ना शादी के बाद कैसे निभाई जाती हैं अगर आपका शोहर अच्छा है ना और अगर आप उन दोस्तों से प्यार करती हैं तो वो दोस्तियाँ जो है ना सारी ज़िंदगी निभाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल अच्छे हैं और इसी वजह से जो है मेरी फ्रेंडशिप जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी आगे तक आ गई है कि हम शादी के बाद भी एक दूसरे से ऐसे ही मिलते हैं जैसे। तो ये सारा कुछ जो है ना ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका अच्छा लाइफ पार्टनर आपके साथ है ना तो फिर आप इसको अपनी दोस्ती को जो है बढ़ा सकते हैं अच्छा बना सकते हैं आगे तक लेके जा सकते हैं। कुछ कुछ लोग नहीं पसंद करते जब मेरी भी शादी हुई थी तो कुछ टाइम के लिए 2 से 3 महीने के लिए हमारी भी दोस्ती में थोड़ा सा फ़र्क आ गया था जैसे महीनों में कभी जाके बात होती थी फिर उसके बाद आहिस्ता 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 थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जिनकी नई शादी होती हैं उनको अपनी दोस्तें ये सब कुछ बहुत याद आती हैं स्कूल की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स होती हैं लेकिन स्कूल की और बचपन की दोस्तें उनकी बात कुछ और होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके वो बात ही नहीं बनती। मेरा तो कॉलेज वाली फ्रेंड्स के साथ और यूनिवर्सिटी वाली फ्रेंड्स और यूसीपी वाली यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रही है क्योंकि मैं फ्रेंडशिप में ना किसी से दोस्ती करती हूँ चाहे वो फैमिली में आउट ऑफ फैमिली कोई भी हो मैं उस फ्रेंडशिप को लेकर ना बहुत सीरियस हो जाती हूँ मैं बहुत तवज्जो देती हूँ और मांगती भी हूँ मैं कहती हूँ सिंसियर फ्रेंडशिप होनी चाहिए अगर है तो ओके जी अपना ख्याल रखिएगा।